बलिया 2017 के बांसडीह विधानसभा चुनाव में अपने बेटे का हार का बदला 2022 लेने का समय। पूर्व सलेमपुर सांसद रामाशंकर विद्यार्थी। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के बांसडीह विधानसभा में राज भर बहुमूल्य ग्राम सभाओं में चौपाल लगाकर पूर्व सलेमपुर सांसद रामाशंकर विद्यार्थी ने सपा सुभाषपा के गठबंधन के प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी को वोट देने की अपील। इस दौरान उन्होंने बांसडीह विधानसभा के 217 में भाजपा सुभाषपा के गठबंधन में प्रत्याशी अरविंद राजभर के हारने वाले प्रत्याशी से बदला लेने की अपील की। बालू में, बजरी में, तमाम कंपनी के खानों में कमा करके आते थे, ईंट खरीदते थे, कभी सीमेंट खरीदते थे, छड़ बालू और घर बना लेते थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के मेहनत कश मजदूरों की संपत्ति का उनका आर्थिक आमदनी को यह सरकार साजिश के तहत रोक दे रही है और पूरे भारत को। किस तरह की बैठक की गई थी? देखिए, ये चौपाल है। समाजवादी पार्टी का वचन पत्र जो लागू हुआ है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने किया है, तो गठबंधन के सारे पार्टी के लोग और सभी साथियों के साथ जो समाजवादी पार्टी का वचन पत्र है वो हम मतदाताओं तक ले जाए, ताकि मतदाता जाने कि 3 तारीख को हम जो साइकिल का वोट करने जा रहे हैं तो हमारे लिए समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथियों ने क्या वचन पत्र, घोषणा पत्र क्या तैयार किया। तो राजभर समाज है, किस तरफ जा रहे हैं अभी बांसडीह विधानसभा? देखिए, पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है और ये पहले दूसरे चरण के चुनाव से साबित भी हो चुका है। बांसडीह ही नहीं, पूरे प्रदेश में राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी भारी मतों से पूर्वांचल में जीतने जा रही है। जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमने हरेक समाज जातवाद छोड़ करके सबका विकास किया, सबका साथ दिया। देखिए, हमारे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है और उससे बड़ा जातिवादी कौन हो सकता है। आपने देखा होगा कि विनय शंकर तिवारी जी गोरखपुर जब पार्टी ज्वाइन किए थे तो उन्होंने बता दिया था कि जातिवाद क्या है उत्तर प्रदेश में। ये जातिवादी लोग हैं और ये देश को में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश को तबाह करने वाले लोग हैं। अब ये समाज के हर वर्गों को तंग किया है, चाहे वो नोटबंदी था तंग हुआ समाज, कोरोना से तंग हुआ समाज, इनको लाशें तैरती इस बार की जनता जो है इनको नकार रही है, वो गंगा की तैरती हुई लाशें देख रही हैं, वो पेट्रोल का दाम देख रही हैं, वो खाद का दाम देख रही हैं, वो किसान पर थार गाड़ी चढ़ाई गाड़ी देख रही हैं, उन नाव में 4 लोगों की हत्या की पीड़िता के को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाथरस में 12 बजे रात को एक बेटी को जिंदा जला दिया गया। तो ये जनता देख रही है और ये जनता स्वतः जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जी, उन्होंने कह रहे हैं कोरोना काल में मैंने लोगों को फ्री अनाज दिया है, आवास दिया है, बाथरूम दिया, सब ऐसे ही मुद्दे उठा रही है, तो हमने सबको ये किया है। कोरोना काल में उन लोगों ने जितना दिया उसका पोल तो केवल ऑक्सीजन ने खोल दिया कि ऑक्सीजन के अभाव में गांव हो या शहर हो, सारे जो श्मशान घाट हैं वो भरे पड़े थे। ये कोरोना इनकी लापरवाही का परिणाम है और कोरोना और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक साथ जनता भगाने के